आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर डीपीएस श्रीनगर में कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आईएसपीएल जो ट्रायल्स हो रही है यहाँ पर, जैसे आईपीएल है वैसे ही आईएसपीएल निकाला गया इस बार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्ट्रीट टू स्टेडियम पहुंचाने के लिए हमारे स्ट्रीट जो बॉयज है जो खेलते रहते हैं क्या कॉस्को क्रिकेट या टेनिस क्रिकेट जिसको कहते हैं, उनको एक मौका दे रहे हैं, अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं स्टेडियम में जाकर इस मुकाबले को खेलने के लिए और अपना जो है उनका हुनर वो दिखाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएसपीएल के ट्रायल्स हो रहे हैं यहाँ पर डीपीएस श्रीनगर में, और हमारे से जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, हाँ दोस्त। मोहम्मद हमारे से जुड़े हैं, कहाँ से हो भाई आप? मैं लद्दाख से हूँ सर। लद्दाख से, करगिल से। हाँ, तो जब आपको ये पता चला तो कैसा आपको फील हुआ कि रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद ट्रायल्स देनी है, तो वहाँ पर खेलते हैं आप? सर मैं वहाँ पर तो खेलता हूँ, कारगिल में बहुत सारे खेलता हूँ। मेरा ये रजिस्ट्रेशन जब निकला था तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अपना परफॉर्म करना था आईएसपीएल में, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि कैसे मैं अपने टैलेंट को दिखाऊं, इसीलिए वही आईएसपीएल वालों ने इन बच्चों को टैलेंट दिखाने के लिए यही आईएसपीएल खोला था सर, इसीलिए हमने उधर रजिस्ट्रेशन किया और आज ट्रायल था, इसीलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल में हम इधर ट्रायल देने के लिए आए थे। तो कब निकले थे आप घर से और यहाँ पर कब पहुँचे आप? सर एक्चुअली तो मैं अभी इधर बैठता हूँ, इधर पढ़ता हूँ और छाताबल में बैठता हूँ अभी। मैं सुबह 10 बजे आया इधर ट्रायल देने के लिए, अभी 11 बजे ट्रायल था मेरा सर। तो 11 बजे ट्रायल, आपकी ट्रायल हो चुकी है? हाँ सर, अभी तो खत्म हो चुकी है, मैंने ट्रायल दिया अभी। तो कैसा लगा आपको ट्रायल देकर? सर बहुत अच्छा सर, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ट्रायल यहाँ पर। तो अगर सिलेक्शन नहीं भी होती है तो एक एक्सपीरियंस, हाँ, आपको एक मिल गया, आगे जाकर आप कोई बड़े ट्रायल्स में भी जा सकते हो। हाँ सर, सर तो अच्छा आपको जो इनिशिएटिव लिया है तो कितना अच्छा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा सर, मेरा पहला, मैंने पहले बार ही दिया ये ट्रायल, बहुत एक्सपीरियंस रहा सर, इधर कोच से मिला, हमसे बहुत टैलेंट, बहुत सारे टैलेंट बच्चों में बहुत टैलेंट थे, हमसे सीनियर भी था, उनसे हमने कुछ सीखा सर। जो अच्छी बात कही उन्होंने कि एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और कुछ सीखने के लिए भी होता है, अगर आप ट्रायल्स में जाते हो कोई मायने नहीं रखता, आप सिलेक्ट होते नहीं होते, लेकिन एक्सपीरियंस प्लस कुछ सीख के जाता है इंसान, तो आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज फिर इंसान ग्रैब कर सकता है जब वो पहले एक स्टेप पर पहुंचने की कोशिश करे और उसके बाद बाकी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकता है। तो शुक्रिया भाई आपका अपना वक्त देने के लिए और ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाओ और आपका नाम हम आगे देखें। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कैसे इस वक्त मोहम्मद के साथ हमारी बात हुई और इन्हें कहा कि लद्दाख से, लद्दाख के रहने वाले हैं और यहाँ पर आज ट्रायल देने के लिए आए थे।